कल ऐसे ही हम बाइक पे निकले थे इधर आने के लिए, सोचा था कल भी कुछ बातचीत करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बट समा बहुत डिले हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसलिए किया नहीं। बट रास्ते में गोलगप्पे वाले दिखे और गोलगप्पे वालों की दुकान पे काफ़ी सारे लोग दिखे, तो उसको देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब मैं छोटा था और डेफिनेटली मेरी बहन भी तब छोटी थी, तो हम गोलगप्पे खाने भी मतलब काफ़ी अच्छे फैंसी कपड़े पहन के जाते थे, सोच के कि हाँ हम बाहर घूमने जा रहे हैं। वो रहती ना बचपन में एक्साइटमेंट रहती है, उस टाइप से एक्साइटमेंट रहती थी। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप ध्यान से देखें अगर तो बुलढाणा की ब्यूटी इन्फाइनाइट ही है। अभी ये जो व्यू है इस पर मैं 100 टाइम आ चुका हूँ, बट आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट, क्योंकि है ही इतनी अच्छी सुंदर सी जगह। देखो लोग अपने 100th ब्लॉग में बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगह घूमने जाते हैं, अपन भी आए हैं, बट बुलढाणा की घाटी के अंदर सिर्फ, जो कि है ये। मेरे साथ और भी लोग आए हैं। वीडियो क्वालिटी ज़रूर एनहेंस दिखी होगी क्योंकि मैंने फॉर नाउ सिपुंग सर का कैमरा लगा रखा है। थोड़ा माइक के साथ प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में और माइक में, माइक मंगाया दूसरा, जब तक नहीं आ जाता तब तक इन्हीं के फ़ोन से करेंगे क्योंकि इसमें माइक लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पास्ट डेज में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत उनसे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी मच गुड। व्लॉग कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, बट कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार फिर हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए और हम दोनों जाएंगे बाय रोड, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद शायद से कुछ सर वापस आएंगे लेने, क्योंकि हम जने ही जाते हैं और बाइक्स कम है आज। आज पांडे सर नहीं है, छोटू सर भी नहीं है। अगर आप व्लॉग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं देन यू मस्ट बी नोइंग दिस प्लेस। एक ज़माने में ये हमारा डेली का अड्डा हुआ करता था। बहुत दिनों बाद भाई, जब हम सीढ़ी घाट से वापस आ रहे थे, काफ़ी लंबा रास्ता है वैसे तो जब हम वापस आ रहे थे तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हम सब डर गए, खासकर मैं। क्या हुआ? हुआ ये था कि हम ऑलमोस्ट बुलढाणा पहुंच गए थे, 6-7 किलोमीटर रास्ता बचा था। ऑन द वे बारिश हो रही थी, पूरे टाइम बारिश हो रही थी, हम भीगते हुए आ रहे थे। एक आदमी पड़ा हुआ मिला रोड पर, ही वॉज लाइंग डाउन एज इट इज़, बेहोश एकदम, ब्लीडिंग हो रही थी उसको, डेफिनेटली एक्सीडेंट हुआ था। बुरी बात ये लगी कि वी आर दी फर्स्ट वन जो रुके, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ग्रेट हूँ या वी आर वेरी ग्रेट, हम लोग वहाँ पे रुके एंड वी वेटेड फॉर 10-15 मिनट्स की वो आदमी होश में आया, बट होश में नहीं आया। लकीली और लोकल लोग रुके एंड समहाउ वी गॉट हेल्प, बट उस 10 मिनट्स की ड्यूरेशन में ना हमने 108 एम्बुलेंस पे कॉल किया और फिर हुआ सबसे बड़ा रियलिटी चेक लाइफ का, जो जान को मुझे बहुत दुख हुआ। नरेंद्र सर ने कॉल किया 108 के लिए एम्बुलेंस पे, उनको लोकेशन भी बताई कि यहाँ पर है, ऐसा सिचुएशन है, एक आदमी पड़ा हुआ है रोड पे, एंड व्हाट दे टोल्ड इज कि अभी जो एम्बुलेंस है ना वो 25 किलोमीटर दूर है और टाइम लगेगा आने में। सो वी वेटेड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स और जब वापस आए उसके बाद लोकेशन का पता चल गया था, उसके रिलेटिव्स का पता चल गया था, लकीली कॉल आ गया था उसके फ़ोन पे, तो उसको इन्फॉर्म कर दिया था एंड उसके गाँव वाले भी आ गए थे वहाँ पे, बट 40-45 मिनट्स में वो एम्बुलेंस नहीं आई। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि आप खुद के रिस्क पे हैं, आप 108 एम्बुलेंस पे कॉल ज़रूर कर देंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बट एम्बुलेंस नहीं आएगी दोस्तों। बहुत
बहुत तकड़ा रियलिटी चेक था, क्योंकि हम लोग क्या है घर से बहुत दूर रहते हैं और मराठी स्पीकिंग लोग भी नहीं है, आउटसाइडर हैं टेक्निकली बोले तो। और ऐसे टाइम पे अगर किसी साथ कोई मिसहैप हो जाती है, तो नहीं मैं नहीं चलता कि कभी हो, बट हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है तो इतनी बात है, एक तो लोग हाथ नहीं लगाएंगे, आपको उठाएंगे नहीं, आप खुद के ऊपर हो। और गलती से किसी ने हाथ लगा भी दिया तो किसको बोलेगा वो, क्यों, ना हमको जानता है ना हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। और सब इतने लक्की तो होते नहीं कि उनके रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए उसी टाइम पे। आप भी गए तो हमारे रिश्तेदार तो पता नहीं कहाँ पे बैठा है, वो किसको कांटेक्ट करेगा, कोई चांस नहीं। और रही बात जो लास्ट होप रहती है कि कोई गवर्नमेंट हेल्प मिलेगी, 108 एम्बुलेंस आएगी उठाने, वो भी भूल जाओ, यू आर ऑन योर ओन कम्प्लीटली अगर आप एक्सीडेंट में गिरते हो रोड पर। और सब एक इंसिडेंट हुआ हो तो बात है ना, दो तीन दिन पहले सेम इंसिडेंट हुआ हमारे घर के पास में, दैट पर्सन डाइड क्योंकि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया स्पॉन्टेनियसली उस बंदे को, लिटरली दैट इज़ द रियलिटी। लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, जैसे लड़कों को गिरा हुआ दिखते हैं रोड पे, चोट लगी देखते हैं, उनकी एक ही माइंड सेट रहती है कि पिया हुआ होगा या फिर रैश ड्राइविंग कर रहा होगा, हो सकता है किसी ने उसको उड़ा दिया हो, यू शुड हेल्प। जैसे लड़कियों के लिए दौड़ के जाते हो ना हाथ लगाने दीदी 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 करके, लड़कों को भी रिस्पॉन्ड करो यार, दे ऑल्सो डिजर्व सेम ट्रीटमेंट, एटलीस्ट एक्सीडेंट के बाद तो रिस्पॉन्ड करो, वो आदमी होश में भी नहीं है अपने। दूसरी चीज़ तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है जो हमें जानने को मिली, हमारे साथियों को जानने को मिली, कि हमारे घर के ही थोड़े ही पास में एक डेड बॉडी मिली। और जब 3-4 दिन बाद वो पानी में फूल के ऊपर आ गई, एक स्पॉट है, मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा कहाँ पे मिली, बट घर के बहुत पास में मिली। और जब वो पानी में फूल के ऊपर आ गई तो उसके बाद लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे तो कुछ है गड़बड़। उसके बाद मुझे नहीं पता आगे कहानी क्या है, मुझे भी किसी ने बताया एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ऐसा हुआ। और दूसरा इंसिडेंट जो उसी जगह पे हुआ, उसी एरिया के मतलब 100 मीटर के रेडियस में, एक गाय वॉज रोमिंग देयर, उसकी कोई प्रॉपर्टीज उसके रात को चेकअप करने आया था, वो जाते ना देखने की कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही अपने दुकान के साथ या सब सब, ही वॉज डूइंग दैट एंड सडनली उसको किसी ने टैप किया पीछे से, एंड जैसे ही वो बंदा मुड़ा उसके बहुत ज़ोर से सर पे रॉड से मारा। अब यूजुअली क्या अपने केस में आता है कि चोरी वगैरह की होगी या क्राइम पैटर्न जैसा दिखाता है, कोई रंजिश होगी ऐसा कुछ होगा, दैट गाय टुक हिम, जिसने मारा वो उस बंदे को लेके गया बाइक पे बिठा के, वो बेहोश था, उसको ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर आगे जाके फेंक कराया खेतों के अंदर। एंड चोरी करनी होती तो चोरी भी नहीं करी, बाइक स्टैंड पे लगा के बाकायदा तमीज़ के साथ मोबाइल जेब में रख के पर्स रख के फिर गया। ऐसा लगा कि जैसे या तो कोई दुश्मनी थी या किसको मज़ा आ रहा है ये सब करने में। अब ये सब कह के मैं आपको डरा नहीं रहा, आई एम जस्ट अवेयरिंग यू, क्योंकि वो एरिया जो है काफ़ी सुनसान रहता है। कौन सा एरिया बताता हूँ, हाजी मलंग दरगाह बुल्ढाना में, वहाँ से लेके जो एक सेक्शन आता है जहाँ पे एकदम अंधेरा है और कुछ भी नहीं है, वो बहुत डेंजरस अपीयर हो रहा है फॉर नाउ, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, एक्सीडेंट भी हो गए जो मैंने अभी जिक्र किया। तो अवॉइड करो दोस्तों, आप अगर वहाँ से निकलते हो तो बहुत देर रात पे मत निकलो, और अवेयर रहो और अकेले मत घूमो रात को, एटलीस्ट उस एरिया में मत घूमो।